नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ईशान महेश जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंसान या ह्यूमन बनाने के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है, या कम से कम इंसान बनाने का बनने का तरीका तो इंसानों को पता होना चाहिए। हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, हम पायलट बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन हम इंसान बनने की तरफ बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहे हैं। धर्म के मसले से बातचीत शुरू हुई थी और धर्म हमारी जड़ों में स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट किया था। एक और उनके जीवन की घटना हम आपके सामने रखते हैं जो धर्म के बारे में उनके नज़रिए को बताती है और फिर बातचीत को आगे बढ़ाती है। स्वामी जी एक निर्जन गुफा में रह रहे थे। वहां वो विभिन्न साधनाओं में व्यस्त थे। उनके पास केवल एक या दो कंबल, कमंडलू और कुछ किताबें ही थीं। एक दिन एक मुसलमान जो कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार का वकील था, उसका वहां से गुजरना हुआ और उसने स्वामी जी को देखा। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो वकील उनसे बात करने को उत्सुक हुए। कुछ देर की बातचीत से ही वो वकील सन्यासी के ज्ञान से मोहित हो गया। वह उनके पास बार बार आने लगा। एक दिन, स्वामी जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक अवसर दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए वकील साहब, वर्षा ऋतु आने वाली है और इस गुफा के दरवाजे नहीं हैं। यदि आप दरवाजे बनवा सके तो कृपया बनवा दीजिए। यह गुफा अत्यंत दीन दशा में है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक सुझाव दूं। मैं यहाँ आलीशान बंगले में अकेला रहता हूँ, यदि आप कृपा कर मेरे साथ रहेंगे तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। किंतु मैं मुसलमान हूँ, पर मैं आपके भोजन की अलग व्यवस्था कर दूंगा। स्वामी जी ने उनकी ये बात अनसुनी कर दी और उनके बंगले में चले गए। वकील व उनके सहकर्मियों के कारण स्वामी जी ने माउंट आबू में कई मित्र बनाए। कुछ दिन बाद स्वामी जी से मिलने के लिए मुसलमान वकील ने मुंशी जगमोहन लाल को आमंत्रित किया, जो कि खेत्री के राजा के निजी सचिव थे। जब सचिव महोदय आए तो उस समय स्वामी जी सो रहे थे। तब मुंशी जगमोहन लाल ने सोचा, यह भी वैसे ही साधारण सन्यासियों में से एक है जो किसी चोर या कपटी से कम नहीं होते। अच्छा स्वामी जी, आप हिंदू सन्यासी हैं तो आप एक मुसलमान के साथ कैसे रह रहे हैं? आपका भोजन भी तो इनके द्वारा छुआ जाता होगा। श्रीमान, आपका क्या मतलब है? मैं सन्यासी हूँ और इन सब सामाजिक रीतियों से ऊपर हूँ। मैं भंगी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ। मुझे भगवान का भय नहीं है कि वो इसकी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे, ना ही शास्त्रों का डर है कि इसकी अनुमति है या नहीं। किंतु मैं आपसे और आपके समाज से डरता हूँ, क्योंकि आप भगवान और शास्त्रों को नहीं जानते, मात्र दावा करते हैं। मैं हर जगह ब्रह्म देखता हूँ, यहाँ तक दीन एवं तुच्छ प्राणी में भी ब्रह्म देखता हूँ। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, शिव शिव। मुंशी जगमोहन लाल न केवल अपनी सोच के कारण लज्जित हुए, बल्कि इस युवा सन्यासी के विरक्ति, ज्ञान व स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी को खेत्री के राजा अजीत सिंह से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वृहद परिप्रेक्ष्य में बड़े पैमाने पर अगर हम इसको देखें तो ये एक हिस्सा हो सकता है वो ह्यूमन मेकिंग का जो आप कह रहे थे, इंसान को बनाने की जो हम बात कर रहे थे। वाकई में ये सवाल कई बार मन में आता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे पेशेवर तो तैयार करते हैं, इंसान को इंसान क्यों नहीं बना पाते हैं या उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? परिवेश थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इसलिए गड़बड़ा गया है, बच्चा विद्यालय गया, वहीं से शुरुआत होती है ना इंसान बनने की, जिसको हम कहते हैं कि माता पिता तो जन्म दे देते हैं और इंसान उसे कौन बनाता है? विद्यालय। विद्यालय, अब विद्यालय पर ही आते हैं हम। गणित की पढ़ाई उसने की, गणित से इंसान के बनने का कोई लेना देना नहीं, वो व्यापार का क्षेत्र है। विज्ञान का विषय पढ़ता है वो, विज्ञान से भी कहीं कोई इंसान नहीं बनने वाला। फिर इसी तरह से इतिहास है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ये सब चीज़
पढ़ता गया बच्चा, उसमें कहीं कोई दया धर्म की बात आ रही है? गणित का एक सवाल वो हल कर रहा है, नहीं तो कहीं वो दया धर्म सीख रहा है, इंसानियत सीख रहा है, मनुष्यता सीख रहा है? अब बचती है बात साहित्य की, भाषा बच गई, जहाँ उसको थोड़ी बहुत हम शिक्षा देते हैं धर्म की, उसमें भी एक सीमित सिलेबस हो गया, उसको सिर्फ सिलेबस पूरा करना होता है, उसके बाद कुछ नहीं। नैतिक शिक्षा को भी कुछ क्लासेस तक रखा गया, लेकिन हाँ, वो नैतिक शिक्षा क्या वो नैतिक शिक्षा होती है? अब ये भी देखिए ना, एक कक्षा है, एक क्लासरूम के अंदर 60-60 बच्चे हैं, 60 बच्चों को एक शिक्षक कैसे समझ लेगा? पहले के बच्चों में नैतिकता क्यों थी? क्योंकि कक्षा में अधिक से अधिक 30 छात्र होते थे और अध्यापक उनसे जुड़ा होता था, उनसे बातचीत करता था, उसको जानता था। मान लो मैं अध्यापक हूँ और तुम विद्यार्थी हो और मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो मैं हर एक को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, तुम मेरे पास आओगे कि गुरुजी मेरी ये समस्या है, मैं बताइए कैसे दूर करूं। अब क्या है, कक्षा में 60 बच्चे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं प्रवीण तिवारी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे अपना सिलेबस पूरा कराना है, अपनी सैलरी लेनी है, घर जाना है, बच्चे को भी अपना होमवर्क पूरा करना है, घर जाना है। इतना अधिक जो तालमेल है वो गड़बड़ा गया शिक्षा का, जो मूल क्षेत्र है और जो प्राथमिक कक्षाओं के अंदर जिन शिक्षकों को रखा जाता है, आपको आश्चर्य होगा कि वो बहुत योग्य नहीं होते, विपरीत है कि प्राथमिक कक्षाओं में सबसे सुयोग्य शिक्षक होने चाहिए, वहाँ सबसे वो होते हैं कि चलो काम चलाओ। जो छोटे बच्चे जहाँ से नींव का निर्माण होना है, वहाँ पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए वो वास्तव में बड़े गरिमापूर्ण होने चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं होता। तो जितना छोटा बच्चा है उतना उसकी आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया जाता है वहाँ पर। तो आप बताइए कैसे, जो पाठशाला ही हमारी उससे शुरू होती है, और मुझे पता नहीं कि तुम्हारे मन की क्या तकलीफें हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे साथ अपना तालमेल बिठा लूं? ये तो बात हुई एक तरीके की, तरीके एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो स्वामी विवेकानंद का एक इंसिडेंस याद आता है, जिसमें उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ये कहा था कि मैं सब भूल जाना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बात क्यों करते हो? बोले ये पढ़ाई लिखाई तो दिक्कत देती है, क्योंकि तर्क बुद्धि बढ़ गई है। तो ये हालांकि एक अलग दर्जे की, अलग लेवल की बात है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट है, क्या आपको लगता है इस तरीके के साथ साथ उस कंटेंट पर भी फोकस करने की जरूरत? बिल्कुल आवश्यकता है। जो बच्चे को पढ़ाया गया, एक नैतिक शिक्षा उसको हमने दी किसी भी तरह की, मानकर चलिए बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि गाँव होता क्या है, हमने उसको गाँव पढ़ा दिया, गाँव दिखा दिया, किसान किस कठिनाइयों से गुजरकर अन्न को पैदा करता है उसे नहीं पता, और हमने उसका साक्षात्कार नहीं कराया, तो वो रोटी को, रोटी का अनादर करना सीख जाता है। उसको पता नहीं कि एक रोटी का निवाला जो अपने गले तक लेकर जा रहा है, उसके बनने की प्रक्रिया कितनी बड़ी है, हमने उसे कभी वो प्रक्रिया नहीं दिखाई। क्या हमने कभी ऐसा दिखाया अपने बच्चे को कि देखो घिया कैसे लगती है खेत में, ये देखो, उसको पता ही नहीं घिया को, या किसी भी फल का, मैं एक उदाहरण जिस माध्यम से दे रहा हूँ उसे समझना, तो उसके साथ वो तादाद में नहीं बिठा सकता, कैसे बिठाएगा? जनरेशन लॉस का एक बड़ा एग्जांपल आपने दिया, क्योंकि वो बच्चे को तो तब सिखाया जाएगा जब उसके माता पिता ने सीखा होगा, या और अब आज जो समय आ गया है उस पर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा गैप हो गया कि इन चीजों को समझा जाए। इस पर मैं थोड़ा विस्तार से आपसे बात करता हूं, लेकिन तोड़ो कारा तोड़ो जैसे वृहद उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली जी भी इस मसले पर कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को भी हम सुन लेते हैं। वो समय था कि जिस समय ये मद्रास के आसपास घूम रहे थे, तो लोगों ने कहा विदेश जाने के लिए, तो एक जगह इनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, पंडित जिसको कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति, जिसने कहा कदापि ना के समुद्र पार करना जो है वो पाप होगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये हंस के चले गए, समुद्र भी पार किया, जो उस समय तक ये एक तरह से पाप माना जाता था। ऐसी कितनी चीज़ें हैं उनके मन के और धर्म को जो परिवर्तन आए, वो भी ये था कि उन्होंने कहा कि जब मैं इस धरती पर उतरा था इंग्लैंड में, तो मेरे मन में अंग्रेज़ों के प्रति जितनी घृणा थी शायद ही किसी के मन में हो, पर आज मैं समझ पाया हूँ कि इस जाति में क्या क्या गुण हैं, आज मेरे मन में घृणा नहीं है। जब शिकागो पहुँचे थे तो उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तल में जितना कीचड़ है सब अंग्रेज़ों के मुँह पर मल दिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा मेरी भारत माँ को, मेरी माँ को कलंकित किया है। तो विरोध था,
वहाँ जाकर के उन्होंने ये भी एक जगह कहा कि एक वो समय था कि जब मैं जिस कलकत्ता में सड़क की जिस दिशा में ये थे सिनेमा घर होते थे उस दिशा में नहीं चलता था, उसके विपरीत दिशा में चलता था। अब मैं उस घर में रह सकता हूँ जिसमें वेश्याएँ रहती हैं। अपने आप को मतलब सबके प्रति इतना प्रेम कि अगर वो वेश्या भी है तो उसका कुछ कारण होगा। अगर कोई और वहाँ के जो शराबी, जो वहाँ के गरीब दरिद्र गाड़ी खींचने वाले लोग अमेरिका में, उनको खोज करके उनके घरों में घुस जाना और उनके साथ भाइयों की तरह से व्यवहार करना, ये उन्हीं के वश का था, बाकी लोगों के वश का था नहीं। क्योंकि धनी लोग जो थे वो कहते थे कि स्वामी तुम जो कुछ कर रहे हो, जहाँ कमरा लेके दो कमरे किराए पे लिए थे उस बदनाम बस्ती में, बोले पीपल विल नॉट कम, राइट सॉर्ट ऑफ पीपल विल नॉट कम। उन्होंने कहा ओके, बट राइट सॉर्ट ऑफ पीपल केम। ये प्रेम के कारण जैसे उन सबको एक कर लेना। और मूलतः क्या होता है कि प्रेम दिखाना नहीं होता, प्रेम तो हृदय में होता है। तो हृदय में जितना प्रेम उससे था, उससे उन्होंने भारत को ही क्या, उन्होंने संसार को संगठित करने का प्रयत्न किया और जिसमें बहुत सफल भी हुए। किशन जी, ये विवेकानंद के प्रेम, उनकी उदारता को भी ये बात बताती है जो डॉक्टर कोहली कह रहे थे। और ये प्रेम बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम है, इसको बहुत सामान्य तौर पर या सामान्य प्रेम से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये प्रेम, क्योंकि विवेकानंद ने एक रास्ता चुना था, उस रास्ते पर वो चल पड़े थे, इसीलिए वो उन चीज़ों का अनुसंधान कर रहे थे, इसलिए वो उन चीज़ों को पा रहे थे, ये वजह है? या फिर आम तौर पर अगर एक आम इंसान या आम हिंदुस्तानी, एक आम दर्शक जो आपको सुन रहा है, वो इस प्रेम को समझना चाहे और पाना चाहे तो कैसे पाए? बहुत आसान तरीका है लेकिन बहुत मुश्किल है। पिछले एक एपिसोड जब हमारे यहाँ हुए तो एक ही प्रतिक्रिया आई कि आपके बहुत अच्छे विचार थे लेकिन आपने जो असाइनमेंट दिए वो बड़े मुश्किल थे। मेरे पास एक प्रतिक्रिया आई। तो दूसरे को समझने का जो अभिकान है, उस प्रेम को जानना चाहे कैसे। एक वाक्य जो विवेकानंद अक्सर कहते थे कि मैं किसी को भी भूखा नहीं देखना चाहता, मेरे ख्याल से उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया होगा। यहाँ भी कहा था ना भी पिछले सप्ताह, ये कुत्ता भी अगर भूखा है तो। अब देखो एक असाइनमेंट छोटा सा, हम बात कर रहे हैं कि अगर उस स्थिति तक तुम पहुँच जाओ जिसको कहते हैं ना भूखे मरने की नौबत आ गई, तुम 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने पूरे परिवार के साथ ऐसा करो कि हम खाना नहीं खाएंगे तब तक जब तक कि ये ना हो जाए कि हमारे भूख के मारे प्राण निकलने वाले, और उसके बाद हम तुम्हें रूखी सूखी रोटी देंगे खाने को, तो खा के देखो। ये असाइनमेंट नहीं करेगा कोई भी। इससे भी छोटा असाइनमेंट, मेरे बच्चे ने एक बार कहा सड़क के किनारे जो मजदूर सड़क बना रहे थे कि ये लाल मिर्च की चटनी से ही रोटी खा रहे हैं, बस ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं 7 दिन हम लोग चटनी से रोटी खाएंगे। तो एक तरह से हल्का सा विद्रोह शुरू हो गया घर में कि ये क्या तरीका है चटनी से रोटी खाएंगे। मैंने कहा नहीं करके देखते हैं, आओ करके देखें, विज्ञान की पुस्तकों में होता है ना, आओ करके देखें, आजमाना। तो किसी प्रकार से उनको सहमत किया, सहमत हो गए। उन्होंने चटनी से रोटी खाई 1 सप्ताह, और खाने के बाद उनको जो एहसास था जिसको हम सहानुभूति कहते हैं, सहानुभूति शब्द दुख के रूप में नहीं होता, सह अनुभूति कि दूसरा जो अनुभूत कर रहा है उसको हम भी अनुभूति कर लें। तो मैंने कहा तुम खा के देखो, चटनी से रोटी खाओ। 1 सप्ताह का असाइनमेंट था, फिर जमीन पे सोने का असाइनमेंट दिया बच्चों को, खुद भी सोता था, पत्नी भी सोती थी। जब हमारे भरत भगवान राम ये जंगलों में जमीन पर सो सकते हैं, एक मैं कहूँ कि पार्क में प्रवीण तुम रात को 1 हफ्ते सो जाके, तो तुम कहोगे कि मेरी पत्नी ने कहा है कि ईशान जी से बात ही नहीं करनी आपको, यही कहोगे? सो सकते हो 1 सप्ताह तुम, बताओ पार्क में रात को जाकर, जो कि सब प्रकार से सुरक्षित है, नहीं सो सकते। ये विवेकानंद हिमालयों में उन स्थानों पर नंगे बदन सोया है जहाँ का तापमान थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता। ये अभी क्योंकि बहुत से दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे इस बात का अर्थ ऐसे भी लगा रहे होंगे कि क्या हमें भी इसी तरह के असाइनमेंट करना है, या दुखों को हम चाहे जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जितने सामर्थ्यवान हो इन परिस्थितियों को भोगना है, या जो उदाहरण अभी ईशान जी ने दिए इसके मायने क्या है, आपके जीवन में इसके मायने क्या है, आप कैसे आजमा सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन एक ब्रेक उससे पहले लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद के एक सशक्त विचार के साथ दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। जब तक ये छुआछूत आपका धर्म व रसोई और बर्तन आपके भगवान हैं, आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। ये विभिन्न धर्मों की विभिन्नता मात्र निरर्थक शब्दों का संघर्ष है।
सब समझते हैं कि मेरे विचार मौलिक है और सब कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं, इसी से संघर्ष उत्पन्न होता है। यहाँ यानी भारत के लोगों ने वेदों को त्याग दिया है और सारा तर्क ज्ञान अब रसोई में है। भारत का धर्म आजकल है छुआछूत, जिसे दूसरे स्वीकृत नहीं करेंगे। एक दिन हर देश हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई अद्भुत जीवन पद्धति तथा उनके दर्शन चिंतन द्वारा प्रकट सुविचारों और सिद्धांतों को अपनाएगा। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद पेश कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, कार्स और टीवी सेट्स पर दूरदर्शन के चैनल्स का डिजिटल क्वालिटी में लुत्फ उठा सकते हैं DVB-T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर ई मार्केट पर कई प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है। DVB-T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। देश के 16 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.ddindia.gov.in। सरकार की कोशिश, घर घर हो DD फ्री डिश। मनोरंजन की दुनिया में धमाल, बिना किसी मासिक भुगतान के, बिल्कुल फ्री। फैमिली एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज, जिसमें है 80 टीवी चैनल्स, न्यूज व्यूज, सीरियल्स, म्यूजिक, फिल्म्स, स्पोर्ट्स के साथ साथ मौजूद हैं 40 रेडियो चैनल्स। DD फ्री डिश, आपके सपनों का देश। ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने छुआछूत के बारे में जो विचार थे स्वामी विवेकानंद के, उन्हें पढ़ा। आज भी स्थितियाँ वैसी बनी हैं, या यूं कह सकता हूँ कि अवेकनिंग इंडिया का सपना आज भी सपना बना हुआ है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा ये सारा कुछ, तब तक वो अवेकनिंग नहीं, वो जागरण नहीं आ सकता भारत में। आपने ब्रेक से पहले कुछ उदाहरण दिए, निजी जीवन के उदाहरण भी दिए, अपने बच्चों के उदाहरण भी दिए। इन चीज़ों को, ये सारी तो परेशानियाँ हैं, इनको दूर करना है तो हमारा योगदान क्या हो सकता है, और ये असाइनमेंट उसके लिए कैसे काम आ सकता है, क्या असाइनमेंट सबके लिए? बात एक थोड़ी हंसी से शुरू करता हूँ कि एक बहुत धनी स्त्री अकालगत क्षेत्र में गई, जहाँ अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, कंकाल की तरह शरीर थे। तो बहुत अमीर स्त्री थी, तो उसके सहयोगियों ने उससे कहा कि देखिए लोगों की क्या हालत हो गई है। वो उसे इसलिए लेकर गए थे कुछ सहायता करें। तो उसने कहा इनकी ऐसी हालत क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा इनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो वो कहते फिर ब्रेड बटर क्यों नहीं खाते? जी। आप इसका व्यंग्य समझ रहे होंगे कि उस तल पर जाकर पता ही नहीं है उसको कि मालूम ही नहीं क्या है रोटी का अभाव क्या है। आप प्रवीण जी अनुभव नहीं कर सकते कि दो वर्ग बने हुए हैं, एक इतना उच्च वर्ग है कि जिसको निम्न वर्ग की कठिनाइयों का, उनके दुखों का, उनके कष्टों का बोध तक नहीं है। एक कहावत है ना, जाके पाऊ ना पड़ी बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आए। दूसरा किस यातनापूर्ण जीवन में जी रहा है, नरक में जी रहा है, घोर नरक में, इसको अनुभव करना होगा तो उनके बीच जाना होगा ना। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, अकालग्रस्त क्षेत्रों में, बीमारी वाले क्षेत्रों में उनके बीच गए थे, उस समय गए थे जब उनको आवश्यकता थी। वर्तमान में क्या होता है, कहीं भी कोई दुर्घटना घट जाती है, देश में कुछ आपदाएं हो जाती हैं, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो कब जाते हैं, जब सब कुछ हो चुका होता है, और सिर्फ एक दर्शक बनकर गए, देखा और वापस लौट आए, यही होता है। उनके बीच रहकर किसने सेवा की? एक कोई राष्ट्रीय मुझे व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए जिसने, जहां कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी और उनके साथ आंखों में आंसू भर के उसने उनकी सहायता की हो, कैसे कैसे लोग करेंगे फिर? जब तक वो तत्व, वो पीड़ा, वो जज्बा भीतर पैदा नहीं होगा, और वो तभी होता है जब आप उसी के निकट जाते हैं। सब समस्या ईशान जी ऐसा लगता है ये भी है कि सेवा में भी पहचान पाने का भाव पहले है, कि आपने सेवा की है, वो पहले तो उस चीज़ की खुशी
उसको सेवा कहेंगे नहीं कहेंगे सही मायने में एक अलग मसला है, लेकिन सेवा भी तभी की जा रही है आजकल तब जबकि आप नोटिस हो रहे हैं, आपकी सेवा नोटिस हो रही है। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे कि जब आप भक्ति में उतर कर जाते हैं उसके बाद आप निर्लेप हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं लगता। जैसे आपने शरीर में बहुत सारा तेल लगा लिया, उसके बाद आप पानी में उतरते हैं तो पानी के अंदर जो जीव होते हैं, हिंसक जीव जो खा जाते हैं, वो आपके पास नहीं आते उसकी गंध से। ये रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे। तो कहते जब तुम सेवा करने संसार रूपी सागर में उतरो तो भक्ति रूपी तेल लगा लो। चलिए मैं इस पर और बात करता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र कोहली के विचार हम एक बार फिर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तोड़ो कारा तोड़ो जैसा वृहद उपन्यास उन्होंने विवेकानंद के ऊपर लिखा है और उनके जीवन की कई घटनाओं को इसमें सुंदर तरीके से चित्रित किया है। तो डॉक्टर कोहली क्या कह रहे हैं उस पर एक नज़र। आरंभ से आप देखें तो आध्यात्मिकता तो जो थी वो थी, मतलब जिस समय अभी वो छोटे से थे उनको मालूम भी नहीं था, ध्यान लगाते थे सोने से पहले तो उनको त्रिकुटी पर ज्योति दर्शन होता था। जब गुरु ने पूछा कि तुझे सोने से पहले ज्योति दर्शन होता है तो बड़े हैरान होकर पूछे बाकियों को नहीं होता है क्या, यानी वो मानते थे कि सोने से पहले की ये सहज प्रक्रिया है, सबको ही होता होगा, ये आध्यात्मिक वहाँ से। और ऊर्जा जो थी उसका एक छोटा सा उदाहरण वो है कि जब 3 वर्ष के थे और हाथ में चाकू लेकर सारे आंगन में उधम मचाए हुए घूम रहे हैं, माँ भी चिंतित है, दो दो नौकरानियाँ पीछे जा रही हैं कि ये या तो खुद को मार लेगा या किसी को मार देगा, उसको पकड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है तो पकड़ में नहीं आ रहे, और अंततः माँ ने खुद भुवनेश्वरी ने जाके पकड़ा और ले जा करके स्नानागार में लोटे से पानी उनके सिर पर डाल के शिव 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 कहा, तब वो शांत हुए। तो माँ ने जा कर के शिव जी के सामने माथा पटक के कहा कि आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने कौन सा भूत भेज दिया है। ये उनकी ऊर्जा थी, इतनी ज़बरदस्त उनमें ऊर्जा थी। डॉक्टर कोहली ने एक और जीवन का चरित्र बताया विवेकानंद के बचपन के बारे में, और अब जब वो महापुरुष बन जाते हैं उसके बाद उनका क्या बचपन क्या जवानी सब बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती है और सब नोटिस में आ जाती है। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, अब हम प्रोग्राम के आखिरी दौर में जा रहे हैं और शुरुआत में पिछले हफ्ते भी जब बात कर रहे थे तो आपने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना था, शिक्षकों को, पाठशाला को, पठन के लिए जो कुछ दिया जा रहा है बच्चों को, जो सामग्री दी जा रही है और जो कंटेंट दिया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। आने वाले समय में आपको लगता है कि आज से अगर किसी चीज़ की शुरुआत करना है, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, अभी तक हम अवेकनिंग इंडिया को नहीं समझ, आज से हमें शुरू करना है, अभी क्या करना शुरू करें? सबसे पहले तो जो जितना भी संतों का साहित्य है वो उनकी अपनी भाषा में रहा, हमने क्या किया सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय भाषा को हटा दिया, तो अब जो बच्चे हैं वो महापुरुषों को ही नहीं जान पाते। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण है, मुंबई में जाने का संयोग हुआ तो वहाँ पर एक ने कहा SV रोड पर आप चले जाइएगा। क्या नाम बताया? SV रोड। तो जिज्ञासा उठी क्या है ये SV रोड, मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई नहीं बता पाया क्या है SV रोड। फिर किसी एक ने बताया कि इसका नाम है स्वामी विवेकानंद मार्ग। अब आप जब महापुरुषों को ही नहीं जान पाएंगे आपके दिल में कुछ होगा ही नहीं। आप कहते हैं कि आरकेपुरम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेट्रो रेल में मैं उस दिन बैठा, उसमें आवाज़ आई कि अब अगला मेट्रो स्टेशन GTB नगर है। तो एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है GTB का क्या मतलब है, तो साथ में एक व्यक्ति बोला कि GTB का मतलब है यहाँ एक ग्रैंड TB हॉस्पिटल है इसलिए इस जगह का नाम GTB है। अब गुरु तेग बहादुर नगर या स्वामी विवेकानंद या आरकेपुरम रामकृष्णपुरम, हमने जो सबसे खतरनाक काम किया है अपने देश के महापुरुषों को हाशिए पर रख दिया, एक तरफ हटा दिया, जैसे मेज का कूड़ा होता है ना, हटा के साफ कर देते हैं। अब तुम मुझे बताओ SV रोड सुनकर तुम्हारे दिल में कुछ होता है? कुछ हुआ? और मैंने कहा स्वामी विवेकानंद मार्ग, तो भीतर कुछ एक कंपन हुआ या नहीं हुआ? तो वो सारे कंपन हमने समाप्त कर दिए जो वाइब्रेशन पैदा करते थे। किसी भी चीज को सुन के कुछ एक एक्साइटमेंट होती थी, उत्तेजना होती थी, वो सारी समाप्त हो गई। तो जब वो समाप्त हो गई तो वो जो कोमल तत्व था जो धर्म की ओर ले जाता, ध्यान की ओर ले जाता, मानवता की ओर ले जाता, उसके बीज को ही जब तुम कुचल रहे हो तो कहाँ से ये उम्मीद करते हो? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? सोचो,
मुझे लगता है हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही को इसे सुधारने की जरूरत है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये बड़ी सुंदर बात आपने अभी कार्यक्रम के अंत में कही है। आगे भी हम इस मसले पर ईशान महेश जी से कुछ और मसलों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि यही तक दायरा नहीं है, खामियां बहुत सारी जगह पे हैं और उनके लिए हमें एक बार फिर दर्शकों के सामने आना होगा। लेकिन आज के लिए और अवेकनिंग इंडिया में जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, एक असाइनमेंट जैसे आप कहते हैं, जाते जाते असाइनमेंट, एक असाइनमेंट कि अगर थोड़ा सा साहस कर सकें तो अपने बच्चों को थोड़ा सा अभाव में रहना सिखाएं, थोड़ी कमी में, उनको हर थोड़ी सी कमी महसूस आर्टिफिशियली, जैसे एक्टिंग करते हैं हम, तो उसको कहें कि ठीक है एक हफ्ते जरा हम ऐसे भोजन करके देखें जैसे मजदूर करते हैं, या उसको अपने साथ ले गए, कहीं दीन दुखी कोई है तो उसके हाथ से, उस बच्चे के हाथ से उस दीन दुखी की सहायता करवाई जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी हो ये रहा है कि बच्चे की जरूरत पैदा होने से पहले उसे पूरा किया जा रहा है, या अपने आप को बेहतर माता पिता दिखाने के चक्कर में हम बच्चे की जरूरत ही पैदा नहीं होने दे रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे गाड़ियों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, उसे ऊंचे से ऊंची सुविधा देना हमने अपना मकसद बना लिया, लेकिन ये बच्चे के लिए ये विकार पैदा करता है, दोष पैदा करेगा और वो संस्कार पैदा नहीं कर पाएगा जिसकी जरूरत अवेकनिंग इंडिया के लिए। अवेकनिंग इंडिया का ये सफर हम आगे भी जारी रखेंगे, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सुझाव awakeningindia.dd@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक, नए विषय के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम अपने देशवासियों की हृदय को दहला देने वाली उस भूख को जो हर जगह भयंकर पीड़ा रूप में तांडव कर रही है, शांत करने का प्रयास करो और उसके बाद ही तब तुम मेरे पास वेदांत पर चर्चा करने आना। उन सैकड़ों भूखे प्यासे मरते लोगों की जान बचाने के लिए ही अपने जीवन को नौछावर कर देना वेदांत धर्म का सार है।